अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का। जो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। जो स्टूडेंट अगर आप ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304-2291-893 पर हमसे रब्ता करें। ओके, जब आपको डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का कहा जाएगा उस सूरत में आपने सबसे पहला काम करना है सेपरेशन का, यानी आपने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो आपका x वेरिएबल है उसकी साइड पर d ऑफ x होना चाहिए, जहां पर आपका y वेरिएबल है उस साइड पर d ऑफ y वेरिएबल होना चाहिए। यानी जब भी आपको कहा जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने उस सूरत में क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपने करना ये है कि आपने अपने वेरिएबल की सेपरेशन करनी, यानी कि सेपरेशन कैसे होगी? सेपरेशन इस तरह होगी कि आपने x के साथ x वाले वेरिएबल ले जाना और y के साथ d ऑफ y वाले वेरिएबल लेके जाने। कैसे करेंगे सेपरेशन? ये देखें, मैं लिखता हूँ x d ऑफ y, ये d ऑफ x उस साइड पे चला जाएगा, 1 प्लस y d ऑफ x। मैंने क्या कहा था, x वाला वेरिएबल के साथ d ऑफ x होना चाहिए और y वाले वेरिएबल के साथ d ऑफ y होना चाहिए। तो अब करेंगे क्या, ये x को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा डी वाई वन ओवर, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, वन प्लस वाई इधर आ जाएगा वन ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, जब आपके पास, अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, वन ओवर वन प्लस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने उसमें से डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर देना है। तो आप इसका लेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ओके, जब आप इंटीग्रल लेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस वाई डी ऑफ वाई, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन बटे में हो और ऊपर उस फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो आप जब उसका इंटीग्रल लेते हो तो एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हो, यानी जो फंक्शन है आप उसका नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हो। ठीक है, अब इसी तरह का ये केस हमारे पास आ रहा है, ये फंक्शन बटे में वन प्लस वाई, इसका ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि वन प्लस वाई का जब विद रिस्पेक्ट वाई डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जवाब वन आ जाएगा, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव आ रहा था, इसका इंटीग्रल बन जाएगा वन प्लस एल एन ऑफ वाई। इसी तरह ये एक्स बटे में, ऊपर इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स, और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो प्लस क्या लगाते हैं, सी। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यानी वाई के साथ एल एन आ रहा हो तो आपने सी के साथ भी एल एन ले लेना है, बाकी ना भी लगे तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सोल्यूशन में मसला बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सोल्यूशन है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन प्लस वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स सी। क्यों? हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब दो टर्म्स आपस में जमा हो रही होती हैं तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बोथ साइड पर आप एंटी लॉग अप्लाई कर दें, या एंटी लॉग अप्लाई करने से आपको ये एल एन से एल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वन प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स सी, दैट इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके,